गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी की रैम कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके पीसी की रैम कम है तो आप अपनी रैम को डबल कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पीसी की रैम 2GB है तो आप उसे 4GB में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर 4GB है तो आप उसे 8GB में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है दिस पीसी। अगर आप विंडोज 7 या 8 का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर सर्च करना है, और आगे की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों मेन प्रोसेस यहीं से शुरू होती है, यहीं से आपकी रैम बढ़ने वाली है, तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखना। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीसी की 4GB रैम है, तो मैं इसे 4GB से 8GB में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, आपको एडवांस में परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको परफॉर्मेंस की सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से एडवांस पर क्लिक करना है और चेंज पर क्लिक करना है। अब आपको कस्टम साइज पर क्लिक करना है। दोस्तों अब ये आ जाता है मेन पॉइंट, यहाँ पर आपको दो ब्लैंक डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लैंक्स में आपको कुछ फिल करना है। क्या फिल करना है इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मान लीजिए आपकी रैम 4GB है, तो आपको 4GB को मल्टीप्लाई करना है 1024 से, और इसके बाद आपको इक्वल कर देना है। अगर आपकी रैम 2GB है तो आपको 2GB को 1024 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जितनी आपकी रैम है उसको आपको 1024 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको गलत कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितनी आपकी रैम है उसी की कैलकुलेशन करनी है, गलत कैलकुलेशन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो आपको सही कैलकुलेशन करनी है। तो जितनी आपकी रैम है उसको 1024 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक कैलकुलेट वैल्यू आ जाएगी, तो इस वैल्यू को आपको फिर मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, इसके बाद आपको फिर से इक्वल कर देना है। दोस्तों ये आ गई है फाइनल वैल्यू, इसी वैल्यू से आपका काम होने वाला है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितनी आपकी रैम है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1024 से, उसके बाद जो कैलकुलेट वैल्यू आपके पास आती है उसको आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, उसके बाद आपके सामने फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को आपको इन दोनों ब्लैंक्स में फिल करना है, तो मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपको सेट पर क्लिक करना है। सेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वैल्यू सेट हो चुकी है, तो अब आपको ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है। जैसे ही मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करूंगा तो मेरे पीसी की रैम इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको अप्लाई करके ओके करना है। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट के लिए ऑप्शन मिल गया है, तो आपको रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करके अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है, लेकिन मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो जाएगा, तो मैं रिस्टार्ट लेटर कर देता हूँ। दोस्तों अब आप ये मत समझना कि आपकी एक्सटर्नली रैम बढ़ जाएगी, यहाँ पर 4GB है तो यहाँ पर 4GB देने वाला है, लेकिन आपकी वर्चुअल रैम बढ़ चुकी है। वर्चुअल रैम बढ़ने से आपको अपने पीसी की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।